हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 24। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 23 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल और लाइन टूल का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल या तो कोई भी एक फ़ोटो इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करके एक न्यू फाइल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। ओके करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने टूल्स में और आपको यहाँ पे मिलेगा रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा यू बटन। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको इसका पूरा सेटअप टॉप साइड में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने रेक्टेंगल का सिलेक्शन बदल सकते हैं। राइट साइड में आपको आपके रेक्टेंगल का फिल कलर और आपको यहाँ पर स्ट्रोक का कलर मिलेगा। स्ट्रोक के राइट साइड में आपके लाइनिंग का साइज मिल जाएगा। इसके राइट साइड में आपको इसका लाइन का स्टाइल मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डैश डैश डॉट डॉट कर सकते हैं। इसके राइट साइड में आपको इसका विथ और हाइट मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली इसको ड्रा कर देता हूँ। इसको ड्रा करने के बाद आपको जाना है आपके अपने ऑप्शन में और आपको यहाँ पे स्ट्रोक का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्ट्रोक का एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लैक कलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ पे आउटलाइनिंग में ब्लैक कलर फिलअप हो गया। अगर आपको अपने लाइनिंग का विथ कम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने लाइनिंग का विथ कम कर सकते हैं। तो मैंने अपने लाइनिंग का विथ यहाँ से कम कर दिया। इसके बाद मैंने इस जगह पे क्लिक करके मैंने अपनी लाइनिंग को डैश डैश कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैश डैश के ऊपर क्लिक करते ही जो मेरा रेक्टेंगल है, इसका लाइनिंग डैश डैश में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट डॉट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉट डॉट में कन्वर्ट हो गया। इसके नीचे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अलाइन कैप्स कॉर्नर का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी का भी सेटअप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इससे ज़्यादा सेटअप करना है तो आप मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इससे ज़्यादा सेटअप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसके अंदर कलर भरना है तो आप फिल कलर में जाकर आप अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और कलर को सेलेक्ट करते ही आपका जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर फिल कलर फिलअप हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अपने कलर को रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नो कलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका कलर रिमूव हो जाएगा। अगर आपको कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके नो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका स्ट्रोक भी रिमूव हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने पेज के ऊपर। इसके बाद आपको इसको यहाँ पे ड्रा कर देना है। तो जब आप इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे तो जो आपका राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, ये आपके हर एक कॉर्नर में राउंड शेप छोड़ेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक कॉर्नर में राउंड शेप छूट गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें फिल कलर भरना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक का कलर देना है तो आप इस जगह पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्ट्रोक का विथ इंक्रीज करना है तो आप इस जगह से कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्ट्रोक में डॉट डॉट करना है, डैश डैश करना है, तो आप इस जगह से कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा एलिप्स टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने पेज के ऊपर जाकर इसको यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। तो
जब आप इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे तो आपका एलिप्स टूल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसका भी सेटअप करने के लिए आप टॉप साइड में जाकर आप इसका भी सेम टू सेम वही सेटअप कर सकते हैं जो मैंने रेक्टेंगल के ऊपर करके दिखाया था। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल मिलेगा पॉलीगन टूल, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका पॉलीगन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने पेज के ऊपर जाकर इसको यहाँ पे ड्रा कर देना है। इसको यहाँ पे ड्रा करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो टूल है ये पॉलीगन न बनकर स्टार बन गया। अगर आपका स्टार नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन के अंदर जाकर आपको यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए और आपको यहाँ पे स्टार का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको चेक कर दीजिए। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो जो आपका पॉलीगन टूल है ये वाली यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट करेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पॉलीगन टूल है ये स्टार क्रिएट करे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके स्टार को चेक करना होगा। इसको चेक करते ही आपका जो पॉलीगन है ये स्टार क्रिएट करेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार क्रिएट कर दिया। इसके बाद आपको टॉप साइड में जाकर फिल कलर या तो स्ट्रोक कलर सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसमें कोई भी एक स्ट्रोक कलर लगा दिया। इसके बाद मैंने इस वाले जगह पे क्लिक करके मैंने इसमें डैश डैश ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्टार के अंदर रेड कलर लग गया और इसके लाइनिंग में डैश डैश लग गया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पॉलीगन टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा लाइन टूल, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका लाइन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने पेज के ऊपर जाकर इसको यहाँ पे ड्रा कर देना है। इसको यहाँ पे ड्रा करते ही यहाँ पर एक लाइन बन जाएगा जिसका सेटअप आप टॉप साइड से कर सकते हैं। तो आपने जो अपने स्टार में सेटअप किया है सेम टू सेम सेटअप आप अपने लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा लाइन टूल। ओके, तो ये थे एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।